इस राज्य में फंडामेंटलिज्म रेडिकलिज्म को इन्हीं लोगों ने बढ़ावा दिया है। अब लोग साथ आकर इस राज्य में उस प्रकार के विचारों को फैलाना चाहते हैं, तो जम्मू कश्मीर की जनता, विशेषकर कश्मीर घाटी की जनता, बहुत सावधान रहना चाहिए इन ताकतों के विषय में। सर, आप बात कर रहे हैं, आप और पब्लिक का सपोर्ट देखकर आपको कितना कॉन्फिडेंस मिल रहा है? आज सुपैया में जिस प्रकार का बड़ा जलसा जावेद खादरी भाई के समर्थन में, हमारे उम्मीदवार के समर्थन में यहाँ देखा मैंने, यह दृश्य आज कश्मीर में चारों ओर देखने को मिल रहा है। एक समय होता था जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बहुत ज़्यादा लोग स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा लोग कहते थे। आज स्थिति बिल्कुल उसके विपरीत है। लोग अच्छी तरह बीजेपी की बातें सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस चुनाव में हम इस राज्य में हमारा खाता खोलेंगे, बीजेपी के भी कुछ उम्मीदवार सफल होकर असेंबली में प्रवेश करेंगे। बोल रहे हैं कि अगर AIP और जमात का जो है पैक्ट हो जाएगा तो यकीनन जो है NC का वोट कट जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? वो उनकी चिंता है भाई। वैसे NC का क्या वोट मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, ये तो मुझे तो इस राज्य में परिस्थिति देखकर लगता है कि अब इस राज्य की जनता ये परिवारवादी पार्टी, गुप्तकारी पार्टियों को इस बार स्वीकार नहीं करने वाले है। सर, इसने इतिहास गिर किया है यहाँ के जो आजाद पार्टी, तो जैसे मैंने कहा, वो जो इस समय गठबंधन बन रहे हैं, ये जो रेडिकल तंजीम थे वो लोग साथ आ रहे हैं, फिर से एक रेडिकल आइडिया, सेल्फ डिटर्मिनेशन वाली बातें वो लोग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता, उन ताकतों से सावधान रहना चाहिए।